शांति। आज की तारीख है 25/2/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा अशरीरी हैं तो हम बच्चों को जीते जी अशरीरीपन का अभ्यास कराने के लिए हम बच्चों को जीते जी मरना सिखलाते हैं, क्योंकि जीते जी हम यदि मरेंगे तो हम स्वयं को आत्मा समझेंगे और आत्मा समझेंगे तो अपने परमपिता परमात्मा को भी सहज याद कर सकेंगे। तो आइए सुनते हैं प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। बाबा कहते हैं, जो कुछ भी शास्त्र आदि पढ़े हैं और जो कुछ और भी पढ़ाई पढ़ी है, बाबा कहते हैं वो सब कुछ भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद न आए। हाँ, जैसे कोई मर जाता है तो उसको अपने पूर्व जन्म की कोई भी बातें याद नहीं रहती, सब कुछ उसको भूल जाता है। उसी प्रकार बाबा कहते हैं, तुम भी जीते जी मरो तो तुम्हें भी जो भी भूतकाल में बातें हुई वो भूल जाए और तुम्हें एक बाबा की याद आए। प्रश्न है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? अब यहाँ हम स्वयं की चेकिंग करेंगे कि हम पूरे जीते जी मरे हैं या मरे नहीं हैं। अब जो नहीं मरे हैं उनकी निशानी बाबा बतला रहे हैं। तो उत्तर है, वो बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे। कौन? जो जीते जी नहीं मरे हैं वो। फिर शास्त्रों का भी मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वो कहेंगे कि बाबा जो सुनाते हैं वही सच है। हाँ, जो जीते जी मरे हैं उनके भी लक्षण बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हमने आधा कल्प जो सुना वो झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी न लाएं। ऐसा जीते जी जो मर चुके हैं वो बच्चे कहते हैं। फिर बाप ने कहा है कि हियर नो इविल। फिर बाप की ये श्रीमत भी है, आज्ञा भी है कि हियर नो इविल। अच्छा, गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि जब शांति में बिठाते हो, जिसको निष्ठा अक्षर कह दिया है, ये ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, जो कहते हैं कि हम जीते जी मर चुके हैं, जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं, तो अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाप कहते हैं, तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वो संस्कार बदल रहे हैं, तो जीते जी तुम मरते हो ना। मरने से मनुष्य पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना होता है। तो बाप भी कहते हैं, तुम जो कुछ भी पढ़े हुए हो वो सब भूल जाओ। तुम तो बाप के बने हो ना, मैं तुमको नई बातें सुनाता हूँ। तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि ये सब बातें भूल जाओ, इसलिए ही कहा है कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। अब ये तुम बच्चों के लिए है। कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं तो पूरा मरे नहीं हैं, तो फिर फालतू आर्ग्यू करेंगे कि फलाने शास्त्र में तो ये है, फलाने शास्त्र में ऐसा है वैसा है,
तो बाबा कहते हैं, मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर लावे ही क्यों। बाप कहते हैं, ये मुख में लाओ भी नहीं, हियर नो इविल, बाप ने डायरेक्शन दिया है ना कि कुछ भी सुनो नहीं, कुछ भी बोलो नहीं, कुछ भी देखो नहीं। अब बोलो, अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं तो भक्ति को क्यों याद करें? हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाप ने कहा है, भक्ति मार्ग को भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूँ कि मुझ बीज को याद करो तो सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम्हारी मुख्य है गीता, गीता में ही भगवान की समझानी है। अब ये है नई बातें, नई बात पर हमेशा ज्यादा ध्यान दिया जाता है। है भी बड़ी सिंपल बात, सबसे बड़ी बात है बाबा कहते हैं याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव, बाप को याद करो, तो ये बड़ी गुप्त और गुह्य बातें हैं और इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते, बाप का बनते, फिर अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है, तो कहेंगे कि ये बाप की आज्ञा का निरादर है, पढ़ नहीं सकेंगे और वह ताकत भी उनको नहीं मिलती है। बाबा कहते हैं, जो अच्छी तरह याद नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं, जिनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है, तो ये कहेंगे बाप की आज्ञा का निरादर किया, पढ़ नहीं सकेंगे फिर वो, और उनको वो ताकत भी नहीं मिलेंगी। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना, क्योंकि पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, शरीर निर्वाह होता है सो भी अल्पकाल के लिए, कई पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो वो पढ़ाई थोड़े ही साथ में ले जाएंगे, दूसरा जन्म ले, फिर नए सिर उनको पढ़ना पड़े। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वो साथ ले जाएंगे, क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में। बाकी तो ये सब है ही भक्ति मार्ग, क्या क्या चीजें हैं ये कोई नहीं जानते। रूहानी बाप, तुम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। एक ही बार बाप सुप्रीम रूह आकर रूहों को नॉलेज देते हैं, जिससे विश्व के तुम सभी मालिक बन जाते हो। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़े ही होता है, अभी तुम धनी के बने हो। माया कई बार बच्चों को भी निंदन का बना देती है, छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं, बाप की याद में नहीं रहते तो निंदन के हुए ना, निंदन का बना तो जरूर कुछ ना कुछ पाप कर्म कर ही देंगे। बाप कहते हैं, मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम न करो, एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। आगे बाबा कहते हैं कि बाप को ऐसी ऐसी अहल्याएं, कुब्जाएं और भिलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं भिलनी के बेर खाए, अब ऐसे ही भिलनी के थोड़े ही खा सकते हैं, भिलनी से जब वो ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता है, बाकी ये रथ तो खाते हैं ना। तुम बच्चों को कोई से भी आर्ग्यू करने की दरकार ही नहीं है, हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए, अक्षर ही दो बोलो। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा रुद्र को भी कहा जाता है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली
तो रुद्र भगवान ही हुआ ना। कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे। विनाश भी कोई कृष्ण नहीं कराते, बाप ही स्थापना विनाश पालना कराते हैं। खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए। वो है करण करावन हार। बाप कहते हैं, हम कोई कहते नहीं है कि विनाश करो। ये सारा ड्रामा में नूंधा हुआ है। बाबा कहते मैं कोई उनको ऑर्डर नहीं करता हूँ कि अब विनाश करो। नहीं, ये विनाश होना ये सब ड्रामा के अंदर नूंधा हुआ है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश, बाकी विनाश तो वह आप ही कर रहे हैं। ये अनादि बनाया ड्रामा है जो समझाया जाता है। रचयिता बाप को ही सब भूल गए हैं, कहते हैं गॉड फादर रचयिता है, परंतु उनको जानते तो है नहीं। समझते हैं कि ये दुनिया क्रिएट करते हैं, तो बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ। कलयुग को सतयुग बनाता हूँ और मैं संगम पर आता हूँ, जिसके लिए ही गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते हैं ये कुछ भी जानते नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर, गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, सदगति मिलेगी। तो सर्व की सदगति तो कोई मनुष्य कर ना सके, नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सर्व का सदगति दाता क्यों गाया जाए। बाप को कोई भी जानते नहीं, निंदण के हैं। बाप से विपरीत बुद्धि भी है और बाप क्या करे, बाप तो खुद मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने, और आता भी भारत में हूँ। आने के लिए मुझे शरीर तो जरूर चाहिए ना, तो प्रेरणा से थोड़ा ही कुछ हुआ होगा, इनसे प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। गौ मुख की तो बात ही नहीं है, ये तो इस मुख की बात है। मुख तो मनुष्य का चाहिए, न कि जानवर का। इतनी भी बुद्धि काम नहीं करती है। दूसरी तरफ फिर भागीरथ भी दिखाते हैं, वो कैसे और कब आते हैं जरा भी किसी को पता नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि तुम घर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। शिव भगवान वाच, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, तुम पवित्र हो जाएंगे फिर सबको ले आऊंगा। मैसेज घर घर में दो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ, राम राज्य की स्थापना करो और रावण राज्य से सभी को मुक्त करो। वो हरेक अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। बाप को कहते हैं मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूँ। सभी पांच विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं और मैं सदगति करता हूँ। मुझे कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। राम राज्य तो जरूर नई दुनिया में होगा। और आगे बाबा कहते हैं तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि। कोई कोई की तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है। कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं, सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं। सबका सहारा
एक गॉड ही है। कितनी सिंपल से सिंपल बात है, बाप को याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ये स्कूल है ही विश्व का मालिक बनने का, तब चक्रवर्ती राजा नाम पड़ा है। चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती बनते हैं, अब ये बाप ही समझाते हैं, बाकी आर्ग्यू कुछ भी नहीं करनी है। बोलो भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ो, और बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। मूल बात ही ये है, जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वो जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। जिनको पढ़ाई का शौक होता है वह सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं। भक्ति मार्ग वाले भी सवेरे उठते हैं, नौधा भक्ति, और वो भी कितनी करते हैं। जब सिर काटने लगते हैं तो साक्षात्कार होता है कि यहाँ तो बाबा कहते हैं। साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। यह भी बड़ी बीमारी है जिससे माया की प्रवेशता हो जाती है। जैसे लड़ाई के समय न्यूज सुनाते हैं तो बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते हैं जो कोई सुन न सके। माया भी बहुतों को विघ्न डाल के डराती है। बाप को याद करने नहीं देती तो समझा जाता है इनकी तकदीर में विघ्न है। देखा जाता है कि माया की प्रवेशता तो नहीं, बेकायदे कुछ बोलते तो नहीं। बहुत मनुष्य कहते हैं कि हमको सिर्फ साक्षात्कार हो तो इतना सब धन माल आदि हम आपको दे देंगे। बाबा कहते हैं ये तुम अपने ही पास रखो, भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा, फिर बाबा क्या करेंगे। बाबा के पास तो फुरी फुरी तालाब हो जाता है, बूंद बूंद से तालाब बनता है। बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। तीन पैर पृथ्वी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। तीन पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है, परंतु तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह तो खेल बना हुआ है, ये सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है, तो फिर भी है तो खेल ना। खेल की हम निंदा नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, तो फिर वह चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं, वहाँ कोई राजाई रखी है क्या। जापानी लोग सूर्य को मानते हैं, हम कहते हैं सूर्यवंशी, वह फिर सूर्य की बैठ पूजा करते हैं, सूर्य को पानी देते हैं। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है कि कोई बात में जास्ती आर्ग्यू नहीं करनी है, बात ही एक सुनाओ। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो पावन बनेंगे। अभी रावण राज्य में सभी पतित हैं, परंतु अपने को पतित कोई मानते थोड़े ही हैं। चे तुम्हारी एक आंख में है शांति धाम और एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा है भारत दी लाइट हाउस, लेकिन वह कोई थोड़ी समझेंगे। तुम अभी लाइट हाउस हो ना, पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताती है। तो बाबा कहते हैं तुम भी सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। जब कोई भी प्रदर्शनी में आते हैं तो बहुत प्रेम से बोलो कि गॉड फादर तो सबका एक है ना,
गॉड फादर या परम पिता कहते हैं कि मुझे याद करो, तो जरूर मुख द्वारा ही कहेंगे ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों की व ब्राह्मण भी महिमा गाते हैं कि ब्राह्मण देवताय नमः। ऊंचते ऊंच है ही एक बाप, वो कहते हैं कि मैं तुमको ऊंचते ऊंच राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, वह राजाई तुमसे कोई छीन न सके। भारत का विश्व पर राज्य था, तो भारत की कितनी महिमा है। अभी तुम जानते हो कि हम श्री मत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। नंबर दो है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है, प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता सबको बताना है। वरदान है आज का, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव, कि देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना ये है बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में और हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं, वह दुनिया के वायुमंडल वाइब्रेशन और तमोगुणी वृत्तियां और माया के वार, इन सब से वो मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही सभी को करना है। स्लोगन है आज का, निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चिंत, उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।